आजकल लोगों की जो मानसिकता बदलती जा रही है और उनकी जो उनकी उदासीनता जो बढ़ती जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो है उदासीनता है, उसमें लोगों के पास आज टाइम ही नहीं है, ना माँ बाप के साथ ना बच्चों के पास। बच्चे मोबाइल में 5-5 घंटे लगे रहते हैं, माँ बाप अपने कामों से फुर्सत नहीं है, बच्चों पे ध्यान देते नहीं है, क्यों नहीं बढ़ेगी? इसलिए उदासीनता बढ़ती जा रही है, लोगों में उत्साह ही नहीं रहा कि भाई वो किसी का दूसरे का इधर पूछे उधर पूछे, वो अपने कामों में ही लगे हुए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और सर ये जो आजकल पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए पोल्यूशन भी इसलिए है कि जनसंख्या ज़्यादा है, ग्रीनरी कम हो रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ तक इंसान जो है वो कब तक खेलेगा? भगवान से खेलेगा, मरते दम तक एक वृक्ष फिर खा जाता है हिंदू, क्यों? जलने के लिए एक पेड़ चाहिए उसको, वो भी तो करते हैं, लगाता कोई नहीं है। अब लोग लगाने वाले लगाने चाहिए, मैंने तो स्लोगन लिखा हुआ है, अपना जन्मदिन मनाइए, एक पौधा लगाइए और दिल्ली को हरित बनाइए। पौधा लगाओगे तभी तो बच्चे आगे सांस ले पाएंगे, वरना आज भी बच्चे बीमार हैं। जी 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 सर, पौधा लगाना, सिर्फ पौधा लगाएं या साफ सफाई पे भी? देखिए साफ सफाई पे ध्यान देना अपना काम है, आप जानवरों से गंदी जगह पे रह रहे हो, एक कुत्ता भी जब बैठता है तो पूंछ से अपनी जगह साफ करता है, यहाँ तो गंद पड़ा है, दिल्ली में कोई काम हो नहीं रहा है, जहाँ जाओ गंदा है। ये तो मोदी जी ने जो शुरू किया है वो बहुत बढ़िया काम है, जिससे कुछ तो सुधार हुआ है, लोगों के मन से अगर जब आएगा ना कि सफाई आनी चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों को जब मन में आएगा कि सफाई होनी चाहिए, तब उनकी ये कामयाब होगी। जी बिल्कुल सही बात, सरकार के कहने से या करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो मैं अगर कोई चीज खा रहा हूँ उसको वही फेंक दिया, ये हमारा काम है। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि एक एक इंसान को लगना पड़ेगा, सब इंसानों को सीखना पड़ेगा, और अगर नहीं सीखते हैं तो सख्ती करनी पड़ेगी। पौधे कह दिए कि 100 पौधे आपने भेज देने हैं, वो बाजार से खरीद के भेजते हैं, हम लगा देते हैं। अभी गुरु नानक जी के 550वें जन्मदिन पे हमने 550 पौधे लगाए हैं रजिंद्रा पार्क। क्या बात है, बहुत अच्छा, आप जाके देख लीजिए। जी जी, ये तो सुन के भी बहुत अच्छा लगता है छबरा साहब, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपसे मिलने का मौका मिला, आपका इंटरव्यू करने का मौका मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।